हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ये दीपिका पादुकोण इंस्पायर्ड मेकअप लुक फ्रॉम कांस 2020। तो ये लुक मैंने देखा था उनके इंस्टाग्राम पे और वो इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना बोल्ड सेक्सी सा लुक था, तो मैं करना चाहती थी इस लुक को। तो मैंने कांस के 2-3 लुक किए हैं, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट लुक है। तो सबसे पहले उनका जो आइज़ था बहुत बोल्ड था, स्मोकी आइज़ था। मुझे स्मोकी आइज़ में थोड़ा बहुत ब्लू का टिंट लग रहा था, तो मैंने इसीलिए आई लुक को पहले किया है। तो मैंने कंसीलर लगा लिया, यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर लगाया है, और बाद में मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया पॉन्स का, ताकि मेरी स्किन हाइड्रेटेड रहे तब तक जब तक मैं आई लुक करूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ब्लेंड किया अपने स्विस ब्यूटी के कंसीलर को, फिर मैंने NYBA के पाउडर से सेट कर लिया उसे अपने बेस को, ताकि क्रीज ना करे वो, क्योंकि अगर आप सेट नहीं करते हो तो आपका जो बेस है वो बहुत क्रीज कर जाता है। तो ये उनका लुक है, बहुत बहुत सेक्सी सा लुक था। मतलब मेरे पास आउटफिट, ज्वेलरी, ये सब कुछ सेम तो था नहीं, बट स्टिल मैंने ट्राई किया क्योंकि मुझे ये लुक बहुत पसंद आ रहा था, मुझे करना था। तो यहाँ पे मैंने अपना फेवरेट जो मेरा पैलेट है उसमें टीज मी आई शेडो पैलेट से मैंने लाइट शेड से स्टार्ट किया है, लाइट ब्राउन शेड, उसके बाद थोड़ा सा डार्क ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन और सबसे डार्क ब्राउन। मतलब क्रीज से स्टार्ट करके मैंने ब्लेंड करके इस तरीके से कलर को प्लेस किया है। और फिर यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट यूज़ किया है, उसमें ये ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक स्मोकी आइज था तो मैंने सोचा कि काजल से कर लेते हैं, बट फिर मुझे दिखा कि उनका बहुत ही ज़्यादा विंग सा ऐसा था, तो काजल से सही नहीं होगा, तो इसलिए मैंने आई शेडो पैलेट ही यूज़ किया। और इस हिलरी रोडा आई शेडो पैलेट से मैंने ब्लू ग्रीन कलर को मिक्स करके दीपिका पादुकोण का जो लुक था वो एग्जैक्टली स्मोकी आइज नहीं था, उसके ऊपर थोड़ा बहुत ना ब्लू ग्रीन कलर का शिमर ऐसा कुछ दिख रहा था, बट मेरे पास वैसा कलर था नहीं, तो मैंने खुद से दोनों कलर को मिक्स करके ही एक कलर बना दिया और फिर मैंने प्लेस कर लिया। और ये यहाँ पे मैंने प्राइमर यूज़ किया है ब्लू हेवन का। तो मतलब ये जो लुक था ना, मैं स्पेशली इसलिए करना चाहती थी क्योंकि सिर्फ स्मोकी आइज़ नहीं था, स्मोकी आइज़ के ऊपर थोड़ा सा ग्रीन ब्लू का टेंट था, जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रहा था, क्योंकि इस टाइप के लुक्स बहुत ही कम। नेक्स्ट मैंने फाउंडेशन लगाया दो शेड को मिक्स करके, और फिर कंसीलर लगाया है, और क्योंकि ब्लैक स्मोकी आइज़ है तो इसीलिए कंसीलर को थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में लगाया, ताकि हाईलाइट करे वो, ज़्यादा डार्क ना दिखे मेरे अंडर आइज़। और फिर यहाँ पे मैंने कॉन्टोर किया। दीपिका पादुकोण के फीचर्स इतने ज़्यादा शार्प, बहुत ही अच्छे हैं उनके फीचर्स, तो मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉन्टोर कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि स्लिम ट्रिम दिखे मेरा भी फेस थोड़ा। तो और यहाँ पे मैं एक एक करके, मतलब मैं सबको एक साथ लगाकर मैं एक एक करके ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप बिगनर हो तो आप एक बार लगा लीजिए, एक बार ब्लेंड कर लीजिए, फिर कॉन्टोर करिएगा, फिर कॉन्टोर को ब्लेंड करिएगा, वरना पूरा मैस हो जाएगा और समझ ही नहीं आएगा कि आपने कॉन्टोर कहाँ किया और आपने कंसीलर कहाँ लगाया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का ये फ्लॉलेस फिनिश पाउडर यूज़ किया है। बेकिंग मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इसमें, क्योंकि अगर मैं कॉम्पैक्ट करती तो मेरी फेस का स्ट्रक्चर शेप उतना अच्छा नहीं आता। बेकिंग से आपको एक फेस का स्ट्रक्चर आ जाता है, शेप मिल जाता है आपके फेस, तो मैं अपने फेस को शेप दे रही हूँ। और बेकिंग करने के बाद आपको 5-6 मिनट्स छोड़ देना चाहिए, ताकि वो बेक होता रहे अपना। और फिर यहाँ पे मैंने स्विस ब्यूटी के ब्लशर पैलेट से ये पहले कॉन्टोर किया है अपने फेस को, पाउडर कॉन्टोर। अगर आप पाउडर कॉन्टोर और लिक्विड कॉन्टोर को यूज़ करते हो ना, तो आपका फेस बहुत ही ज़्यादा शेप शार्प दिखता है। और यहाँ पे मैंने अपने नोज़ को भी कॉन्टोर किया, अपने फोरहेड को, जहाँ पे नॉर्मली करते हैं। और उन्होंने एक ब्लश जो लगाया था ना, वो एग्जैक्टली पिंक नहीं था, न्यूट कलर और पीची कलर ऐसा कुछ उनका लग रहा था। तो उसी तरीके से मैंने भी यहाँ पे लगाया है, मैंने कॉन्टोर शेप शेड को एज अ ब्लश थोड़ा सा लगा लिया। और फिर उनके जो लोअर लैश लाइन थे वहाँ पे थोड़ा ब्राउन कलर मुझे दिख रहा था, और काजल दिख रहा था, और बस ब्राउन आई शेडोज दिख रही थी। यहाँ पे मैंने काजल NYBA का ही यूज़ किया, ये न्यूली लॉन्च्ड है, मतलब ये वही बिग एप्पल ऑफ माई आई काजल है, बट पैकेजिंग न्यू है इसकी। और यहाँ पे मैंने NYBA का आई लाइनर लगाया, उनके लुक में आई लाइनर भी दिख रहा था, बट बहुत ही थिन था वो, ज़्यादा थिक आई लाइनर नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने स्मोकी आइज़ किया था इसीलिए। और उनका जो आई लाइनर था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब सामने से बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड था, जिस तरीके से हम विंग बनाते हैं, तो उसी तरीके से मैंने भी बनाया है। और फिर मैंने यहाँ पे मस्कारा यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का, और मैंने उसी स्विस ब्यूटी के आई शेडो पैलेट से दो ब्लैक और ब्राउन कलर को मिक्स करके यहाँ पे मैंने आईब्रोज़ को फिल किया है। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की थी उस लुक में, कि जो उनका लुक था उसमें उनके आईब्रोज़ बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे लग रहा था कोम किया हुआ है, आईब्रोज़ उतना ज़्यादा फिल नहीं थे, बट उन्होंने कोम किया हुआ था अपने आईब्रोज़ को। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे मस्कारा से लगाने के बाद मस्कारा से कोम कर लिया, ताकि वो एग्जैक्ट उसी टाइप का दिखे। और यहाँ पे मैंने न्यूड लिपस्टिक लगाया है,
मैं पहले लिप लाइनर से एक शेप दे दे रही हूँ, उसके बाद एक डार्क लिपस्टिक कलर लेकर मैं सिर्फ आउटलाइन कर रही हूँ, क्योंकि उनके लिपस्टिक को अगर मैंने बहुत कुछ नोटिस किया था तो उनके लुक में ऐसे ही था कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डार्क लिप शेड से अपने लिप्स को आउटलाइन किया था और फिर अंदर साइड में बहुत ही लाइट सा शेड उनका फिल था। फिर मैंने ये लैवेंडर आई शेडो पैलेट यूज़ किया, उसमें से वो जो वाइट कलर का शेड था, मोनोटोन शेड है ये थोड़ा सा, उसको मैंने लगाया अपने इनर कॉर्नर पे, क्योंकि उनके भी इनर कॉर्नर्स इसी तरीके से थोड़े ब्लू एंड वाइट में शाइन कर रहे थे। और लास्टली मैंने यहाँ पे हाइलाइटर लगा लिया और लैशेज लगाकर अपने लुक को, उनके हाइलाइटर बहुत ही कम दिख रहे थे बट स्टिल थे हाइलाइटर, उनका फेस थोड़ा शाइन भी कर रहा था बट विद इन काइंड ऑफ ग्लो कर रहा था, ऐसा नहीं लग रहा था ऊपर से कुछ हाइलाइटर लगाया उन्होंने। और फिर लास्टली मैंने अपने फेस को सेट कर लिया, मैंने लैशेज लगा लिया और लुक को कंप्लीट कर लिया। तो ये लास्ट आउटकम है इस लुक का, आई होप मैं उनकी तरह थोड़ी बहुत भी इस लुक को कंप्लीट कर पाई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक नोटिफाइड रहे। मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर।